कमिश्नर साहब ने भी बहुत अच्छे अल्फाज और हिम्मत अफजा कलिमात के साथ उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ये सिलसिला जारी भी रहेगा और इसमें मजबूती भी लाई जाएगी। जब भी कोई हादसा हुआ था या कोई इशू था तो हमको पुलिस डिपार्टमेंट को आपकी तरफ से कम्युनिटी की तरफ से पूरा का पूरा सपोर्ट और कॉन्फिडेंस मिला। इसी के वजह से पुलिस डिपार्टमेंट में ये सारे जो मामले थे या मोहल्लाल सारे जो थे उस समय में लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शहर बेंगलौर बल्कि सूबाई सतह की और मुल्की सतह की तनजीमों के ज़िम्मेदारों पर मुश्तमिल एक वफ़द मौजूदा नए कमिश्नर साहब से मुलाकात की। ये मुलाकात खैर सगाली थी और उनके सामने साथियों ने यह बात रखी कि पहले से जो सिलसिला कम्युनिटी और पुलिस डिपार्टमेंट के बीच में चला आ रहा है आपस में मुलाकात का और मसाइल को मिलकर के सुलझाने का, उस सिलसिले को बाकी रखा जाए बल्कि उसको और मजबूत और मुस्तहकम किया जाए। इश्यूज़ को उठने से पहले मुलाकात और गुफ्तगू के ज़रिए हल करने की कोशिश की जाए। कमिश्नर साहब ने भी बहुत अच्छे अल्फाज और हिम्मत अफजा कलिमात के साथ उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ये सिलसिला जारी भी रहेगा और इसमें मजबूती भी लाई जाएगी और कुछ अपने किए हुए कामों का भी उन्होंने तज़किरा किया। हमें उम्मीद है कि सूबे में अमन व अमान के लिए कम्युनिटी और पुलिस डिपार्टमेंट मिल करके अमन की बहाली के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उसकी इंशाल्लाह सराहना भी होगी, उसमें भरपूर कामयाबी भी मिलेगी। जब भी कोई इशू है, जब भी कोई चीज़ है या कोई मिसकम्युनिकेशन है या कोई हादसा हुआ है या हमारे लोगों से कुछ गलती हो गया वो पुलिस स्टेशन के लेवल पे या रास्ते पे हादसे बने के लिए कर दिया, तो धन्यवाद।